तो इन सब पे जो आप लोगों ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके संदर्भ के उसके हवाले से भी मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आपत्तियां एक डेटा जर्नलिस्ट के तौर पे जब सरकार बता रही है तो क्या आप उसके बताने जितनी बात बताती है उससे आप संतुष्ट हो पाते हैं? जी रवीश, जो हमने तफ्तीश करी उससे साफ जाहिर हुआ, और वो कागजात हम बाहर भी लाए, कि सरकार जो अलग अलग डिसीजन ले रही है और जिस बेसिस पे ले रही है, जो बोलती है कि हमारे पास डेटा है, वो डेटा अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक वो डेटा पक्का नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार खुद स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही थी कि हमारे पास ये जो 33,000 केसेस का उस टाइम तक का रिकॉर्ड है, ये पक्का नहीं है। इसमें से 5,000 तो हमें पक्का ही नहीं है कि वो हैं भी कोविड पॉजिटिव कि नहीं, वो लोग भी हैं कि नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। और मई के दूसरे हफ्ते तक वो स्टेट से बात करी थी कि चेक करके बताइए कि ये लोग हैं कि नहीं है और कहाँ हैं। अगर हैं तो हमने देखा कि डेटा में बहुत प्रॉब्लम थी, कहीं के लोग कहीं रजिस्टर हुए हुए थे, नकली फोन नंबर थे, गलत फोन नंबर थे। एक ही आदमी के 3 बार टेस्ट हुए थे तो उनको 3 आदमी बता दिया गया था रिकॉर्ड पे, तो वो चेक हो रहा था। अब इसी डेटा के बेसिस पे सरकार 2 किस्म के डिसीजन ले रही थी। एक कि क्लिनिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए देश भर में, किस टाइप के लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, किस टाइप के लोगों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा कि देश के अलग अलग जिलों में, 700 से ऊपर जिले हैं, इनमें किस किस्म की लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए, वो भी इस डेटा से अपना वो अनुमान लगा के कर रही थी। हमें दिखा कि क्योंकि ये डेटा खराब था, इस कारण कई ऐसी जगहें थी जहां पे टेस्टिंग शुरू नहीं हुई थी तो नंबर कम थे, तो सरकार ने बोल दिया कि ये इलाके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले रहने दीजिए, अभी उसको ग्रीन जोन बोल दिया। कुछ इलाके ऐसे थे जहां टेस्टिंग हुई है, केसेस निकले, लेकिन उतने नहीं थे जितनी सरकार जान रही थी, और वहां पे रेड जोन बना दिया गया था। तो सरकार का डिसीजन लेने के जो मापदंड थे उनकी कमजोरी थी, और ये मापदंड पे जो तोलने के लिए जो डेटा था वो डेटा भी गलत था, और वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ है कि 1.5 महीने के अंदर या करीबन 40 दिन के अंदर सरकार 4 बार तो यही बदल चुकी है कि ग्रीन जोन रेड जोन किस मुताबिक बन रहा है। आखिर में अब ये लॉकडाउन फेज 4 में आके सरकार हार मान के ये स्टेट्स के कंधों पे छोड़ दिया कि आप ही खुद निश्चित कर लीजिए कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। एक 4 मापदंड जरूर दिए हैं, लेकिन वो मापदंड कैसे इस्तेमाल करने ये भी उन्होंने राज्य सरकारों को नहीं बताया है। तो हमारी ये श्रृंखला जो 4 पार्ट्स की थी, इसने ये दिखाया था कि सरकार जब लॉकडाउन में घुसी तो अपने ही विशेषज्ञों के कहने के अगेंस्ट जाके गई। विशेषज्ञों ने मना किया था कि लॉकडाउन ऐसा मत लगाइए, जब चली गई तो विशेषज्ञों ने बताया कि आप अब लगा ही दिया है तो ये 3-4 कदम जरूर उठाइए, क्योंकि ये समय खरीदने का एक जरिया है, ये कोई संक्रमण को रोकने का जरिया नहीं है। सरकार ने वो भी नहीं किया। इस दौरान बार बार अपने मापदंड तरीके बदलने से स्टेट्स में कंफ्यूजन पैदा हुआ, और अब ये हाल है कि वो डेटा असली में जाए, हम लोग सब लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने के लिए संक्रमण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर वो डेटा ऐसा है कि सच में अगर जाए उसकी पढ़त करें तो हमें दिखता है कि वो डेटा से बिल्कुल कुछ मिल नहीं सकता। हम बता भी नहीं सकते कि पहले दिन और 100 दिन बाद हम कहाँ हैं, बेहतर हाल है कि बुरे हाल है, क्योंकि आपके टेस्टिंग के तरीके बदलते चले गए, किसको टेस्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे वो आप बार बार बदलते चले गए, कहाँ टेस्ट करेंगे कहाँ नहीं करेंगे वो बदलता चला गया। पर सरकार शायद ये कहेगी कि हाँ वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इन नियमों को बदल रही थी जी और जब जरूरत नहीं है किसी को तो हर किसी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जी तो इस तरह की दलीलें होंगी उसके पास। सरकार के पास दलीलें बहुत है, लेकिन अगर आप जो उनके वैज्ञानिकों ने उनको अंदर बाहर जो बोलते हैं वो अलग है, सब सरकारी एक्सपर्ट हैं तो बाहर आके ज्यादा नहीं बोल पाते। जैसे आपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आना उनका बंद हो गया है, लेकिन आप जो हमने रिकॉर्ड निकाले कि अंदर क्या बात हो रही है, तो वैज्ञानिक उनके उनको साफ बोल रहे थे कि ये जो आपकी प्रक्रिया है कोरोना वायरस को रोकने की, ये सही नहीं है, 2-3 और चीजें करनी है जिससे हिंदुस्तान में बिना इतनी बड़ी कीमत दिए संक्रमण ज्यादा कंट्रोल हो सकेगा। लॉकडाउन के एक थोड़ा सा मुनाफा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ी है देश को। साइंटिस्ट ने सरकार को बताया था, जो हमने रिकॉर्ड्स बाहर लाए, कि इस रास्ते में गए बिना आप संक्रमण को इससे अच्छा रोक सकते हैं। उसमें एक दो उन्होंने जो चीजें खास बताई थी कि आप इंतजार ना करें टेस्टिंग के रिजल्ट्स आने का,
घर घर जाएं, खास करके गरीबी रिहायशी इलाके जो शहरों में है वहां जाके लोगों को देखें उनके सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो टेस्ट होने से पहले ही उनको क्वारंटाइन कर दें, क्योंकि गरीबी इलाकों में जहां लोग बहुत एक दूसरे के करीब रहते हैं वहां संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है अगर आप ऐसा लॉकडाउन लगाएं। दूसरा उन्होंने बोला था कि आप अस्पताल क्वारंटाइन फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा करें और हर जिले में सर्वेलेंस हाउस टू हाउस जाके होनी चाहिए। ये भी बोला था कि ये पुलिस और डंडा बजाने की जगह आप लोगों को इंसेंटिव दे कि आके वो खुद बताएं कि हमें ये सिम्टम हो रहे हैं, कि हमें खांसी ज्यादा हो रही है, लगता है कि शायद कोरोना वायरस लग गया है। लोगों को आपको बाहर निकालने का कम्युनिटीज के साथ काम करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि पुलिस को भेज दें लठ मार के। आपको ऐसा लगे कि अगर आप बीमार हो गए तो आपने कोई चोरी कर दी है या आपने कोई डकैती कर दी है, जो अभी जी, माहौल बन गया लेकिन है। एक एक 14 अप्रैल को जी बलराम भार्गव ने कहा था कि द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। जी उन्होंने राज्य सरकार को एक नोट में कहा जी था। और 24 अप्रैल को जो एम्पावर्ड ग्रुप है नीति आयोग का, वो कहता है कि 16 मई के तक हम अब घटने की दिशा में जा रहे हैं और घटते घटते 16 मई को शून्य हो जाएंगे। जी आज 19 मई को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई जी है। इस डेटा को जब ये बताया जाता है कि इतने प्रतिशत जिलों में 80% केस हैं, आप संतुष्ट हो पाते हैं कि, या फिर लगता है कि इस डेटा के भीतर और भी कुछ सवाल हैं जो पूछने चाहिए तब जाकर आश्वस्त होना चाहिए? जी हम अपने जो हमने कागजात और एविडेंस बाहर निकाला है उसके बलबूते पे मैं बोलते हुए यूजली ऐसे में झिझकता हूँ, लेकिन मैं साफ बोल सकता हूँ जो सरकार ने पब्लिक में ये बोला कि 16 मई को संक्रमण रुक जाएगा, ये एक सफेद झूठ था। वो जो ग्राफ था वो एक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के एक पीडियाट्रिक डॉक्टर ने बनाया था, वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं उनके कहने पे दोस्ती में, और पॉल साहब ने वो सरकार के नाम पे बाहर रख दिया और उसके बलबूते पे ये बोला कि बंद हो जाएगा। सच्चाई ये है जो अंदर डेटा साफ दिखा रहा था, जैसे आपने बोला कि वो जो 14 मई की चिट्ठी स्टेट्स को लिखी थी आईसीएमआर ने कि संक्रमण अब, उन्होंने हिंदी का शब्द मुझे नहीं पता पर अंग्रेजी में बोला था कि एक्सपोनेंशियल तौर पे बढ़ रहा है, और उस बेसिस पे कहा था कि अभी हमें बहुत सारी हरकतें करनी है। हमने उसके बाद के कागज भी देखे अप्रैल के पहले हफ्ते के मई के, जहां सरकार अंदर राज्य सरकारों को बोल रही है कि संक्रमण बढ़ रहा है और आप तरीके अपनाइए, तो अंदर की जो सच्चाई है वो सरकार बाहर नहीं आने दे रही है, और जो डेटा छुप छुप के टुकड़ों में बाहर देती है वो कई बार एकदम फर्जी है और कई बार अधूरा है। चलिए, अब पॉल साहब दोस्ती में बता रहे थे या किस तरह से बता रहे थे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका डेटा जो 16 मई को जीरो प्रेडिक्शन था वो गलत है। जी बिल्कुल और मैं मानता हूं कि उन्हें आकर पब्लिक में बताना चाहिए कि ये जो आकलन किया था वो सही है या नहीं, क्योंकि क्या पता इस पर भरोसा करके सरकार ने अपने जो मेडिकल तैयारियां हैं उसमें कुछ कमी कर दी हो। उसे लग सकता हो कि हाँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जितना शुरू में बताया गया था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम 1 लाख में हैं तालाबंदी के दौर पे। मेरा एक सवाल है जी कि ये वैज्ञानिक फिर बाहर क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी निष्ठा विज्ञान के प्रति है या फिर सरकार के प्रति है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये जो समय है वो विज्ञान का अनुसरण करने का है, साइंस को और फैक्ट को फॉलो करने का है। अब आईसीएमआर जब ये कह रहा है कि डोर टू डोर सर्वेलेंस हो, घर घर जाकर इसकी जांच हो, तो बगैर ये काम किए हुए कहीं से आप लॉकडाउन हटा सकते हैं, कहीं से आप जोन बदल सकते हैं, तो क्या ये आईसीएमआर की या डॉक्टरों के इस समूह की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या वो आपसे जब ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं तो उनके भीतर ये अपराध बोध नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं साइंटिस्ट होने के बाद भी? सच ये रवीश के कईयों से जिनसे हम बात करते हैं उनको एक अपराध बोध भी है, कुछ गुस्सा और रोष भी है। कई लोगों ने शुरू में हमें मालूम है कि बोलने की कोशिश करी, और लेकिन एक खौफ का माहौल भी अंदर है कि ये सरकारी एक्सपर्ट है, सरकार के खिलाफ बोलने में मुश्किल पाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस माहौल में अभी ज्यादा बुरा हो गया है वैज्ञानिकों के लिए, हमें साफ जाहिर हो रहा था। दूसरा मेरे ख्याल से ये जरूरी है समझना कि इस संक्रमण कोई वैसे भी अगर सरकार अच्छे तरीके से भी कोशिश करती तो आसान चीज नहीं है जूझने के लिए, ये मुश्किल जरूर पैदा करता, लेकिन
लेकिन सरकार ने शुरू से ना राज्यों को अपने